तो ओके गाइस, हम लोग अपने फर्स्ट गेम में आ चुके हैं जिसका नाम है लॉकी क्राफ्ट। बाकी यार इस गेम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यार ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब बच्चा बच्चा इस गेम को खेलता है। और भाई खेलने का वजह भी है क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट पेड है और ये भाई फ्री में है, तो गाइस खेलने का तो वजह है। बाकी यार हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, अब फटाफट से यार गेम को स्टार्ट कर लेते हैं और प्ले पर क्लिक कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर एक वर्ल्ड क्रिएट किया था बस ऐसे ट्राई करने के लिए, तो ये 8.8 एमबी का थोड़ा बहुत गेम खेला था। बाकी हम क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेते हैं। ये बिल्कुल ना माइनक्राफ्ट जैसा, मतलब माइनक्राफ्ट को कॉपी कर सकते, बिल्कुल माइनक्राफ्ट को डिट्टो कॉपी किया गया है। बाकी हम सर्वाइवल में आ जाते हैं, लेट्स गो। इसको हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है और हम स्पॉन हो चुके हैं। और भाई ये क्या है भाई, इतना घटिया ग्राफिक भाई, भाई मुझे लगा भाई माइनक्राफ्ट के आर्टिक जैसा होगा, बट ये माइनक्राफ्ट के बिल्कुल घटिया ग्राफिक टाइप का है। बढ़िया फ्री मिल रहा है, सबसे बड़ी बात वो है, बढ़िया काफी मस्त है। और हमें कहीं भी ऐसा छोड़ दिया गया है, और नीचे पता नहीं ये डर्ट टाइप का, तो इस मिट्टी को तोड़ते हैं पहले। तो यार ये भाई मिट्टी भाई मुझे चाहिए। और ये जो माइनक्राफ्ट पॉकेट जैसा होता था ना, उसमें मतलब ऐसा टच टाइप का होता था, इसमें आपको ऐसा कॉर्सर टाइप का मिलता है भाई, जो मुझे बहुत मस्त लगा। और ये ऐसा होना भी चाहिए आई गेस बेडरॉक और जावा एडिशन में ऐसा कुछ होता है। तो यार काफी मस्त गेम है, और मैंने यहाँ पर 11 डर्ट इकट्ठा कर लिया है, तो इस डर्ट का वैसे मुझे चाहिए नहीं। बाकी सामने कुछ घोड़े और पिक्स घूम रहे हैं, फटाफट से इस पिक को पहले मारूंगा। हेलो, ओ भाई कहाँ जा रहे हो भाई, भाई ये भाई क्या इतने तेज भाग रहे हो भाई, क्या हो रहा है भाई, भाई से मारते भाई फटाफट से। और ये देखो भाई पूरा भागने में लगा हुआ है। अभी मुझे रॉ पाक चॉप मिल गया दो, तो चलो गाइस ये खाने के लिए हमारा बहुत काम आ जाएगा, वैसे अभी भूख नहीं लग रहा। और ये देखो भाई सिर्फ भाई अलग है, इसका आंख है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसके आंख हो रहा है या फिर कंचे हो रहे हैं भाई। भाई तुम कहीं मतलब तुम्हारा भाई तुम उल्टे पैदा हुए थे क्या, तुम्हारे आंख इधर उधर चल रहे हैं। भाई माइनक्राफ्ट में इतना अच्छा दिखता था, सिर्फ इसमें पता नहीं इसकी आंखों में क्या गड़बड़ी कर दी, लगता है किसी साइंटिस्ट ने ना इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया, मुझे ऐसा लगता है इसमें साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया। भाई ये देखो इसकी आंखें बाकी, और सामने देखो यार कोल की तो जबरदस्त लग रहे हैं। इसमें सारे अपडेट आते हैं इसके माइनक्राफ्ट में, तो मैंने काफी कुछ सुना। और ये देखो भाई ये माइनक्राफ्ट मतलब सॉरी लॉकी क्राफ्ट का घोड़ा है। और भाई ये देखो भाई अपना पूंछ भी उठाता है, इस पर राइड भी हम कैसे कर सकते हैं, टैप्स नीड टू डिस्मो। ओ भाई भाई चढ़ते थे नीचे गिरा दे भाई, कैसा अजीबोगरीब घोड़ा है भाई, बहुत ज्यादा रियूड घोड़ा है भाई, तू तो भाई बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। लो भाई तू तो बहुत भाव खा रहा है, निकल यहाँ से। और बाकी इससे कुछ खाने को नहीं मिला, पहले तो मुझे थोड़ी बहुत ना वुड्स कलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस गेम के पहले स्टार्टिंग में माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स होते हैं ना, उसमें पहले तो पेड़ काटना होता है, मतलब वैसे तो पेड़ काटना गलत होता है, बट यार पेड़ कट रहा है भाई, कटने दो यार। बाकी और इसका देखो भाई ये पता नहीं ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है, और ये टूट गया भाई, बहुत जल्दी टूट रहा है, माइनक्राफ्ट में बहुत लेट टूटता है, तो ये काफी मुझे अच्छी बात लगी। बाकी और थोड़े से वुड्स कलेक्ट, मैंने पूरे के पूरे 5 ओ वुड्स कलेक्ट कर लिए हैं। और सामने और थोड़े बहुत पेड़ नजर आ रहे, तो फटाफट से वहां भी चलते हैं, वहां पर भी थोड़े बहुत पेड़ कलेक्ट करते हैं। और अभी ना गाइस मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा और काफी कुछ करना पड़ेगा। वैसे गाइस ये ग्रास है सुगर के, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार इसे ग्राफिक में ना भी बिल्कुल डब्बे से भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल ग्राफिक हो गई है। तो अगर आपने माइनक्राफ्ट का ट्रेलर देखा है ना ऑफिशियल, तो ये कुछ उस टाइप के टेक्सचर पैक आ रहे हैं, तो काफी मस्त पैक है। और सबसे बड़ी बात तो इसका मोड आई गेस अभी तक बना नहीं है, और इसमें शेडर वेडर चलते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर गाइस इसमें शेडर वेडर चलते तो कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बनाता हूँ तो उसमें शेडर जरूर डालूंगा। वैसे यार मुझे यार बिल्कुल पता नहीं है कि इसमें शेडर वेडर डलता है नहीं डलता, अगर यार इसमें शेडर डलता है ना भाई कमेंट करके जरूर बताना, वैसे यार मुझे बिल्कुल नहीं पता। और यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 11 ओवरवुड कलेक्ट कर लिया, और भाई मैं इतने टाइम से कर रहा क्या हूँ भाई, मैं इसका फटाफट से प्लैंक बनाता हूँ भाई। और यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल मैं सेट कर लेता हूँ, ओके तो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल कर लेता हूँ। और ये मैंने बना दिए 44, मैंने 44 ओक प्लैंक बना दिए हैं, तो फटाफट से अब बैक कर लेते हैं। भाई बैक कैसे करना होता है, चलो भाई बैक बन चुके हैं और बैक कर चुके हैं। और सामने की तरफ भाई लावा पूल है भाई, भाई बहुत मस्त लावा पूल्स के ना भाई बहुत काम होते हैं। और इस सिप को पहले मारते भाई, हेलो भाई क्या कर रहे हो भाई, भाई हाय। और यार इसका भी आंख वैसे ही है भाई, मतलब ए टू जेड सिप्स का यही हाल है। इसे इकट्ठा कर लेते हैं, और इससे मुझे एक वूल मिल चुका है जिसका गाइस काफी ज्यादा काम है। ये वूल का ना हम काफी कुछ कर सकते हैं, इस वूल से हम बेड बना सकते हैं रात के लिए। बाकी अभी तक तो भाई कोई मॉन्स्टर कोई जॉम्बी वॉम्बी तो आया नहीं, बाकी सामने अभी तो कुछ तो नजर आ रहा है, पता नहीं क्या है, बट छोड़ो उसे गाइस अभी जल्दी जल्दी से लावा पूल की तरफ चलते हैं। और ये देखो भाई सब लावा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है ये भाई, बिल्कुल कार्टूनी टाइप का गेम है, मतलब माइनक्राफ्ट फिर भी रियलिस्टिक लगता है, पर ये वो कुछ ज्यादा ही कार्टूनी है। पर गाइस जो भी हो भाई फ्री है, सबसे मेन बात वो है। और बाकी सामने एक सीप है भाई, बहुत रेयर सीप होते हैं, ग्रे कलर का सीप है, सॉरी ये चॉकलेट कलर का पता नहीं कैसा सीप है, आई गेस ब्लैक कलर का सीप है, पता नहीं क्या भाई, कमेंट करके जो बताएं कौन सा कलर है उसे। भाई इसको मारते हैं भाई, इस वाले कलर का मुझे सीप चाहिए। और भाई उछल के मारने से भाई डैमेज बहुत तगड़ा देता है ये भाई,
अब देख सकते हो सामने एक और सीप खड़ा है भाई व्हाइट कलर का, उसे भी जाके मारेंगे क्योंकि यार बैड की मुझे जरूरत है। और मुझे जितना लगता है कि भाई दो जो वूल है उनको इकट्ठा करके आप बैड नहीं बना सकते। फटाफट से चलते हो और ये भाई ये नीचे जा रहे हैं, नीचे एक केव जा रहा है भाई। एक तो भाई मैं समझ नहीं पा रहा भाई इतना देर से मैं कर रहा क्या, मैंने वुड्स कलेक्ट कर लिए हैं तो फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। लेट्स गो, क्राफ्टिंग टेबल फटाफट से बना लेते हैं। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए भाई काफी मस्त मस्त चीजें होती है। ये क्राफ्टिंग टेबल हो गया भाई, ये माइनक्राफ्ट का क्राफ्टिंग टेबल एक अलग नजर आता है और इसका क्राफ्टिंग टेबल भाई बिल्कुल अलग नजर आता है। इसका क्राफ्टिंग टेबल बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो फटाफट से हम कुछ बना लेते हैं। पड़ता है मैं थोड़ा बहुत स्टिक्स कलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर 8 स्टिक कलेक्ट कर लिया। अब आई गेस इससे बन जाना चाहिए। और मैं एक एक्स बना लेता हूँ, एक तलवार बना देता हूँ, एक तलवार बना लेता हूँ क्योंकि तलवार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक्स पिकैक्स बना लेता हूँ क्योंकि पिकैक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी माइनिंग के लिए जाने वाले हैं और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी पहले तो यार इसे ले लेता हूँ भाई, भाई आ जाओ जल्दी और ये टूट जा भाई जल्दी से। बाकी यार अभी ना मुझे बहुत सारे सामान इकट्ठे करने हैं। पहले तो यार ये सीप को मार दो यार, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा। मतलब जब तक मैं इसे देखता रहूंगा ना मुझे मारने का मन करेगा तो पहले मार दो। ओ भाई एक ही स्वॉर्ड में मर गया भाई, ये स्वॉर्ड तो भाई बहुत ताकतवर चीज है। और ये पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है कि भाई स्केलेटन की आवाज कहाँ से आ रही है भाई। और बाकी यार यहाँ पर जा रहा है और ये मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ। अच्छा मेरी हंगर बार कम हो गया तो ये रॉ मटन पहले खा लेता हूँ फटाफट से। रॉ मटन और ये चिकन मुझे पहली बार नजर आया इस गेम में, मुझे लगा इस चिकन है ही नहीं इस गेम में, बट इस गेम में तो भाई चिकन भी है। तो फटाफट से इसे मारते और ये एक ही हिट में मर गया भाई, बहुत मस्त। और इसमें जो एनिमेशन हुआ ना भाई ये बहुत तगड़ा है। फटाफट से यार गाइस यहाँ पर मैं केव के लिए चलता हूँ। और ये भाई ये केव कैसा है भाई, शुरू होते खत्म हो गया भाई केव। अभी मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और ये देखो भाई पानी, भाई देखो कहाँ से घूम रहा है, मतलब ऊपर से यार रेनफॉल गिर रहा है भाई, पता नहीं अलग सीन। और इस सीप को भी मारते हैं भाई, हाथ में आ जाओ भाई तुझे मार देंगे भाई सब। लेट्स गो, इसको दो हिट में हम लोगों ने मार दिया। और अभी भाई टोटली 3 वुल्स हमने इकट्ठा कर लिया, मतलब बैड आराम से बन जाएगा। और इसके नीचे जा रहा है क्या नहीं जा रहा हो भाई, केव मिल जा भाई। एक तो यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले केव मिला था बट वो केव पता नहीं कहीं गायब हो गया है। और अभी तो यार यहाँ पर पानी भी देख रहा हूँ, ये देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई प्योर वाटर है भाई, मतलब इतना साफ पानी मैंने आज तक नहीं देखा भाई। ये सीड्रस में भी इतना साफ नहीं होता, मतलब ए टू जेड चीज अंदर ही दिखे, मतलब अंदर एक मछली डूब रही है तो भाई वो दिख जाएगा हमें, कौन सी मछली डूब रही है वो भी दिख जाएगा भाई। मतलब क्या ही बताऊं भाई, कितना मस्त ग्राफिक है। बाकी नीचे केव दिखे पर ये इतना नीचे को जा रहा है भाई, बहुत दर्द ना हो जाए यार क्योंकि वैसे भी यार मुझे भूख बहुत तगड़ी लग रही है। थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ क्योंकि नीचे भाई पूरा अंधेरा लग रहा है मुझे। भाई यार अंधेरा लग रहा है, ये क्या भाई पूरा अंधेरा है क्या? इतना मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। तो ओके गाइस मैंने पूरा ब्राइटनेस बढ़ा दिया बट फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बहुत नीचे जाके देखते हैं, ये क्या हो रहा है भाई मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं है। भाई ऊपर चले जाते हैं भाई, मुझे कुछ दिख रहा नहीं है। मैं बाहर बाहर से स्टोन्स इकट्ठे कर लेता हूँ। लेट्स गो, थोड़े एक पिकैक्स ले लेते हैं, लेट्स गो। और अब भी यार मुझे ना थोड़े बहुत स्टोन्स इकट्ठा कर लेता हूँ, ये आगे स्टोन ही है तो फटाफट से इकट्ठा कर लेता हूँ। भाई इसका स्टोन अलग टाइप का यार, माइनक्राफ्ट में जो स्टोन था ना वो भाई बहुत रियलिस्टिक है भाई। इसका स्टोन पता नहीं चॉकलेट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मुझे तो ये चॉकलेट केक टाइप का लग रहा है भाई। जो भी हो यार फ्री गेम है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फ्री गेम है, इसको जज नहीं करना चाहिए, पता नहीं मैं क्यों जज कर रहा हूँ। तो ओके गाइस मैंने पूरे के पूरे 30 कोबलस्टोन इकट्ठे कर लिया भाई। 30 कोबलस्टोन इकट्ठे करने में ना भाई मुझे बहुत टाइम लग गया। बाकी अभी ना यार मैं स्टोन के टूल्स मार देता हूँ। और मैंने सुना है स्टोन के टूल्स ना काफी मस्त मस्त होते हैं, और लॉकी क्राफ्ट में तो अगर फटाफट से टूल क्राफ्ट कर लेते हैं। बाकी यार अगर स्वॉर्ड भाई वुडन के स्वॉर्ड इतना पावरफुल है तो भाई भाई स्टोन के स्वॉर्ड कैसा होगा भाई, पत्थर अगर हमने किसी को मार दिया भाई कैसा होगा। पहले तो यार मैं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ लेकर आता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल भाई आ जा। और अभी फटाफट से यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं और यहाँ पर क्राफ्ट कर लेते हैं एक। पहले तो यार मैं एक एक्स इकट्ठा करूँ क्राफ्ट कर लूंगा, और एक तो एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेते हैं, और एक थोड़े बहुत स्टिक्स इकट्ठा कर लेते हैं। मेरा स्टिक खत्म हो गए थे अभी, और मैं एक पिकैक्स इकट्ठा करने वाला हूँ। लेट्स गो, हम लोगों ने एक पिकैक्स भी इकट्ठा कर लिया है। बाकी अभी मुझे यार इसे तोड़ लेते हैं। और अभी हमारे पास काफी मस्त मस्त टूल है, अभी रात को जो ज़ॉम्बी कीड़े मकोड़े जितने भी आएंगे ना हम सबको मार पाएंगे। बट यार उतना टाइम मुझे वेट नहीं करना, मुझे नेक्स्ट गेम भी खेलना है, बट यार उसको बाद में खेलते हैं। पहले यार इस गेम को ना और थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है। बाकी कमेंट करके जरूर बताना क्या हम इस गेम को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी रात होने को आया है और मुझे जल्दी से अपना एक घर भी बनाना चाहिए। और घर बनाने के लिए 19 वुड है तो भाई फटाफट से इससे घर बना लेते हैं छोटा सा, और उसके अंदर ना हम सो जाएंगे एक दिन। तो फटाफट से जल्दी जाते हैं और अभी फटाफट से मैं छोटा सा घर बनाता हूँ भाई। छोटा सा घर होगा भाई, बिल्कुल प्यारा सा घर होने वाला है। और यहाँ पर अभी
और अभी मुझे वुड जितना कम होगा उतना खर्चा करना है, इसके ऊपर भी मुझे वुड लगाना है गाइस जल्दी यहाँ पर, ये काफी कम वुड्स लगाने गाइस क्योंकि यार मेरे पास ज्यादा वुड नहीं है और अभी रात को मैं कहीं बाहर जाने भी वाला नहीं हूँ, और अभी फटाफट से यार वुड्स इकट्ठा कर लेते हैं भाई। बाकी यार मैंने जो कोबलस्टोन इकट्ठा किया ना उसको भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, वैसे उसका भी कोई काम नहीं है तो उसको भी एक बार लगा लेते हैं। और ये देखो यार कोबलस्टोन आ गया है, अब मैं इसको भी लगा देता हूँ। ये देखो भाई कोबलस्टोन भाई बहुत जबरदस्त लग रहा है, बढ़िया रहने दो यार, अभी तो यार फटाफट से सोना पड़ेगा क्योंकि यार इसमें जो दूसरे ज़ॉम्बी वॉम्बी है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक है। स्केलेटन को तो हमने मार भी दिया क्योंकि वो कंकाल था भाई, पर जो ना दूसरे मॉब है ना भाई वो तो और ज्यादा पावरफुल है भाई, उससे भाई लड़ना नहीं है बिल्कुल, वो भाई बवाल है भाई, मतलब बहुत पावरफुल है। और अभी यार मैंने ये छोटा सा डब्बा बना दिया है भाई, पता नहीं क्या बना दिया बट जो भी यार मस्त है। और अभी मैं ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, हाँ तो ये बन चुका है, थोड़ा सा ऊपर का ना कवर कर लेता हूँ बिल्कुल, इसको यार कवर कर लेते हैं, इसे पूरा ऊपर से कवर कर लेंगे मतलब जिससे अच्छा लगेगा। और ये मैं ना बिल्कुल मस्त कर रहा हूँ, ये छोटा सा घर है भाई, बहुत प्यारा सा घर है, और वैसे भी मुझे ऐसी घर में रहना बहुत पसंद है। और ये डर्ट को भी लगा देते हैं, ये जो ब्लॉक बचे हैं इसे भी, डर्ट का कोई काम नहीं है तो फटाफट डर्ट लगा देता हूँ। और ये मेरा घर पूरा के पूरा डन हो चुका है, बस मुझे थोड़ा सा डर्ट लगाना है आगे से और ये पूरा घर बन को तैयार हो जाएगा। और मुझे ना एक छोटा सा ना डोर वोर भी बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, बट अभी यार फिलहाल ना मैं तो झामला नहीं करने वाला, पहले तो मैं क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल को ना यहाँ पर भाई बिल्कुल प्यार से प्लेस करते हैं, और यहाँ पर ये भाई मुझे लगा डायमंड का स्वॉर्ड भी हम बना सकते हैं बट नहीं अभी हम बना नहीं सकते। और अभी यार मैं क्या करने वाला हूँ पता है, अभी मैं एक बेड बनाने वाला हूँ, बेड बनाने के लिए पता नहीं क्या किया जाता है, हाँ तो बेड बनाने के लिए भाई कैसे बनता है यार बेड, ओ भाई बेड नहीं बनाना आता यार मुझे, ओ भाई ये बेड कैसे बनता है भाई साहब, ये बेड कैसे बनता है। ओके हाँ भाई बेड बनाने के लिए मैं वुड बेची और मेरे पास वुड नहीं है, तो फटाफट से वुड लेकर आते हैं, सब खाना दो मर जा भाई। चलो गाइस इसने भी हमें थोड़ा बहुत खाना दे दिया है, अभी फटाफट से ना मैं वुड्स इकट्ठा कर लेता हूँ। गाइस ये क्या हो गया, ओ भाई ये क्या हो गया, मैं वुड इकट्ठा कर रहा था मुझे पता नहीं चला, और पीछे से भाई कोई बंदा तो आया और वो ब्लास्ट हो गया, मुझे लगता है क्रीपर का काम है और मैं मर गया भाई। मुझे लग रहा था यार लॉकी क्राफ्ट काफी इजी है बट यार क्रीपर पीछे से आया, मुझे पता भी नहीं चला वो ब्लास्ट हो गया, मैं जैसे ही भागने की कोशिश किया मतलब मेरा मुंह बंद हो गया भाई, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और मैं मर गया भाई।